कम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ नगीन ग्रुप ऑफ स्टडीज़। हेयर वी आर अगेन विद अवर न्यू बुक फ्रॉम द एसएस सोशल साइंस ऑफ द क्लास 10th। बेटा प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपनी हिस्ट्री की बुक को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज हम जो करने वाले हैं बेटा, वो करने वाले हैं सिविक्स करने वाले हैं, जो कि आपकी नेक्स्ट बुक आती है आपकी 10th क्लास में। आपने हिस्ट्री में भी देखा होगा बेटा, किस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, रिवोल्यूशंस वगैरह के बारे में देखा। तो सिविक्स जो होती है बेटा, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, इसमें आपकी जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में सारी चीज़ों को आपको स्टडी करना पड़ता है। आपको इंस्टीट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, और किस तरीके से पावर शेयरिंग होती है बेटा सेंटर और स्टेट में, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाना पड़ता है। तो वहीं से बेटा ये सिविक्स का आधार बनता है कि जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, गवर्नमेंट्स के बारे में, जैसे हमने एंशंट बुक में भी पढ़ा है कि कहीं पे हमारी कोई मान ले गवर्नमेंट है मोनार्की के रूप में आ रही है, कहीं पे हमारी गवर्नमेंट है जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी है बेटा, कहीं पे डेमोक्रेसी है। और हमने बहुत सारे जो एक चैप्टर थे उसमें टॉपिक भी किए थे कि जो डेमोक्रेसी है बेटा उसने किस तरीके से एग्जिस्ट किया बेटा, तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी बेटा। तो यहाँ पर 9th और 10th क्लास में आपका सिविक्स का बेसिक चलता है, उसके बाद जब हायर स्टडीज आ जाती हैं तो उसमें आप इसको डिटेल से पढ़ने स्टार्ट कर देते हो बेटा। तो यहाँ पे सिविक्स में जो इम्पोर्टेंट होगा बेटा, वो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। एक तो आपको फैक्ट्स और नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, तो ये तो होता है आपका नॉलेजेबल पार्ट। और एक दूसरा पार्ट होता है बेटा राइटिंग स्किल्स के बारे में। अब आपको फैक्ट्स तो सारे पता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर को कैसे राइट करना है बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो आता है आपका राइटिंग स्किल्स के अंदर। अब राइटिंग स्किल्स में कैसे देखना, अभी कैसे फैक्ट्स को आप कैसे सीरियल वाइज लिख सकते हो, या हेडिंग का इस्तेमाल करोगे, या कोई भी मान लिया आप स्टेटमेंट लिखते हो तो उसके रीज़न देने बहुत ही आवश्यक होते हैं, अर्जेंट होते हैं बेटा, क्योंकि आपको सिविक्स में देने पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई भी काम विदाउट फैक्ट नहीं होगा बेटा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर गवर्नमेंट होंगे। तो अगर कोई सी भी देश में कोई भी गवर्नमेंट अगर डेमोक्रेटिक है, तो उसको भी किस तरीके से चलना पड़ेगा बेटा, डेमोक्रेसी से चलना पड़ेगा बेटा। तो ये इस तरीके के आप अलग अलग तरीके के यहाँ पे गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसी के रिगार्ड में हमारा फर्स्ट चैप्टर दिया गया है बेटा, जिसमें सिविक्स में दो देशों की कंपैरिजन की गई है, एक तो बेल्जियम की और एक श्रीलंका की, और वहाँ की पॉपुलेशन की कौन सी पॉपुलेशन मेजोरिटी में है और कौन सी पॉपुलेशन मेजोरिटी में नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार हम इसमें क्या करते हैं बेटा, हम पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में तो इस तरीके से दो गवर्नमेंट को स्टडी करेंगे, वन बिलोंग्स टू द बेल्जियम एंड अदर बिलोंग्स टू द आपकी जो सिविक्स में बिलोंग करती है आपकी श्रीलंका से। तो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं बेटा आपके चैप्टर को। लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनका प्लीज़ ध्यान से देखना बेटा, आपको रिटर्न स्किल्स भी बड़े अच्छे से आने चाहिए। लेकिन रिटर्न स्किल्स भी आपका सेकंड मेथड आता है, सेकंड टाइप आता है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी तो आप रिटर्न कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए आपका क्या आएगा बेटा, रिटर्न स्किल में भी रिटर्न स्किल्स में भी क्या आएगा बेटा आपका, यही आएगा कि आपको फैक्ट्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता बेटा पावर शेयरिंग। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ को डिफाइन करना है कि पावर शेयरिंग होती क्या है, किस किस चीज़ के बीच में जो पावर होती है बेटा उसको शेयर किया जाता है। वैसे अगर मैं जनरली चैप्टर से हट कर देखूँ तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि कोई पावर एग्जिस्ट करती है बेटा और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब देखो दो से ज़्यादा पार्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में आपके स्टेट और सेंटर एग्जिस्ट करते हैं बेटा। तो इस प्रकार से आपकी जो पार्टी के यहाँ पे मेनली डबल के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग दो सेक्शंस के बीच में कैसे कैसे हो सकती है। तो पावर शेयरिंग जो होती है बेटा, ये क्या होता है, पावर का शेयर होना। पावर का शेयर होना ये बिटवीन द टू पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती है, या बिटवीन द टू पॉलिटिकल पार्टी के अलावा टू वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी भी हो सकती है, या इसके अलावा आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो पावर आप दो दोस्तों के बीच में भी हो सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाना चाहूँ कि आपकी मेरी और आपकी, जैसे हम दो कोई भी दो गेम खेलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक को फुटबॉल पसंद है और एक को क्या पसंद है बेटा, क्रिकेट को। तो इस प्रकार उन्होंने डिवाइड कर लिया अपने पूरे वीक को कि तीन हम क्रिकेट खेलेंगे और चार दिन हम क्या खेलेंगे बेटा, फुटबॉल खेलेंगे। तो जब भी क्रिकेट खेला जा रहा है तो वो मित्र की पावर शेयरिंग के द्वारा पावर को एक्सरसाइज कर रहा है बेटा, जिसको क्रिकेट पसंद है। तो सीधी सी बात ये है कि बेटा और फुटबॉल खेली जा रही है तो किसको, फुटबॉल वाले को पसंद है, तो पावर शेयर हो रही। कहने का मतलब रूल्स और रेगुलेशन उसी के चलेंगे जिसकी पावर एग्जिस्ट करेगी बेटा, और उन रूल्स और रूल्स के अकॉर्डिंग जो वर्क करेगा वही क्या बोलेंगे कि वह क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है अपनी आपकी पावर को।
अब अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया में बेटा तीन चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो हमें ना जैसे फॉर एग्जांपल तीन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। वैसे तो हमारी गवर्नमेंट क्या होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। गवर्नमेंट कैसे होती है, एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, और ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं बेटा, अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। स्टेट के मामलों में हस्तक्षेप आपका सेंटर नहीं करता और सेंटर में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कोई भी स्टेट नहीं देता है। तो ये पावर एक्सरसाइज किन किन एरिया में की जाती है, ये हमारे बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जिसमें आपको थ्री लिस्ट प्रोवाइड की गई है इन टॉपिक्स रिलेटेड। दैट इज, एक आपकी आती है सेंटर लिस्ट, एक आपकी आती है स्टेट लिस्ट, और एक आपकी आती है कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, देखो सेंटर लिस्ट में तो वो फैक्ट होते हैं, वो एरियाज होते हैं जहाँ पे कौन एक्ट करती है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट करती है। और इसी प्रकार जो आपकी जो दूसरी है स्टेट है, उसमें स्टेट से रिलेटेड टॉपिक होते हैं जहाँ पे स्टेट को देखना पड़ता है। तो ये सब कुछ मान ले स्टेट से रिलेटेड है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है बेटा। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, इन्होंने उसको किस टॉपिक से दिया गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट बेटा। ऐसी सेंटर की एक आपकी सेंटर लिस्ट, एक आपकी है स्टेट लिस्ट, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट बेटा। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, दोनों की कॉमन होती है, जिसमें सेंटर भी योगदान देता है और इसमें सेंटर के साथ साथ आपका स्टेट भी योगदान देता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप एजुकेशन का ले सकते हैं, तो एजुकेशन टोटली एक सेंटर का मैटर नहीं है बेटा, इसमें पावर एक्सरसाइज स्टेट के द्वारा भी की जाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले लाओ डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा पावर शेयरिंग की। ये पावर शेयरिंग रिफर्स टू द शेयरिंग और डिवीजन ऑफ पावर। क्या हो बेटा, जब शेयरिंग और डिवीजन ऑफ पावर हो बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो दो से ज़्यादा पार्टी भी हो सकती हैं, तो मैंने यहाँ पे दो का नाम क्यों लिया था बेटा, कि जैसे दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बताया है मैंने एग्जांपल के तौर पर, आपको सेंटर और स्टेट का एग्जांपल लिया है। लेकिन यहाँ पे अब पावर जो आएगी बेटा, अब दो गवर्नमेंट्स के बीच में हमें पावर को पढ़ना है। पहले तो जो मैंने आपको डेफिनेशन सेंटर स्टेट की दी है, वो मैंने पावर शेयरिंग को आपको समझाने के लिए स्टेटमेंट दिए कि पावर को कैसे शेयर किया जा सकता है। ऐसे ही वो तो थी बेटा एक सिंगल गवर्नमेंट के अंदर भी शेयर होती है, जिसमें स्टेट और सेंटर में डिवाइड हो जाती है आपकी पॉलिटिकल पार्टी। अब इसको आप उस हिसाब से लगा सकते हैं, जैसे मान लें किसी स्टेट में कोई पॉलिटिकल पार्टी है और उसका राज है बेटा, और सेंटर में कोई दूसरी पार्टी। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेके चलें कि एग्जांपल है कि जैसे हरियाणा में गवर्नमेंट कांग्रेस की है बेटा, और आपकी जो पूरे मान ले पूरे इंडिया में जो गवर्नमेंट आई है बेटा, जो लोकसभा के द्वारा चुने गए हमारे पीएम, वो बीजेपी से हैं बेटा। तो अब जो कांग्रेस वाले हैं बेटा, वो स्टेट में अपने पावर को एक्सरसाइज करेंगे, और सेंटर में जो बीजेपी वाले अपने पावर को क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ऐसा नहीं होता कभी भी कि सारे देश में जिसकी पावर है उसका अधिकार भी सारे स्टेट्स के ऊपर होगा। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है बेटा, कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जब तक समझ में नहीं आती कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है और ये किन किन के बीच में होती है। तो पावर शेयरिंग का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर वेरियस पॉलिटिकल पार्टी, जहाँ पे मैंने एक बीजेपी का और एक आपको कांग्रेस का एग्जांपल लेके समझाया, और वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ में भी हो सकते हैं बेटा, जो अलग अलग सेक्शन बटे होते हैं बेटा, उनको क्या बोलते हैं बेटा, वेरियस सेक्शन में क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप जैसे पुअर सेक्शन ले सकते हो, एक रिच सेक्शन ले सकते हो, एक मिडिल सेक्शन ले सकते हो, तो जो भी सेक्शंस आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं उनसे रिलेटेड है। तो पावर शेयरिंग हमें दो कंट्रीज़ के बारे में देखनी है बेटा, एक तो पावर शेयरिंग हमें देखनी है बेल्जियम में और क्या देखनी श्रीलंका में। तो दोनों टॉपिक्स को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, एक बार हम पढ़ेंगे बेल्जियम को, एक बार हम पढ़ेंगे श्रीलंका को। बेल्जियम में जब भी हम पढ़ेंगे बेटा, तो सबसे पहले वहाँ की कम्युनिटी के बारे में जानेंगे दोनों देश की, भाई कितने परसेंट लोग कहाँ पे रहते हैं और कौन सी मेजोरिटी कहाँ पे आपकी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद ही आपकी आएगी बेटा क्या, आपकी कौन सी वहाँ पे। अब जैसे डिवीज़न क्या होता है बेटा, अब देखो मेजोरिटी क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि मेजोरिटी को डिवाइड करोगे तो आपको उनकी लैंग्वेज के बारे में पता लगेगा। क्योंकि मैंने आपको जब डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाया था बेटा, तो डेमोक्रेसी में मैंने आपको क्या दिखाया था कि जो हिस्ट्री ट्रेडिशन और कल्चर्स होते हैं बेटा, वो सेम होते हैं लोगों के, लैंग्वेज भी क्या होती है सेम होती है। तो लैंग्वेज भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है बेटा, जब पावर शेयरिंग की बात आती है, गवर्नमेंट की बात आती है। तो अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिया की बात लेता हूँ, जब भी हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो स्टेट्स का डिवीज़न हुआ था बेटा, वो अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक के आधार पर हुआ था, भाषा के आधार पर हुआ था।
तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी को फाइंड कैसे किया जाता है बेटा, वो लैंग्वेज के द्वारा भी किया जाता है या उनके ट्रेडिशंस या कल्चर्स के द्वारा भी किया जाता है। आप इस प्रकार कैसे बोल सकते हो कि भाई 40% पीपल यहाँ पे उस धर्म के एग्जिस्ट करते हैं, उसके जैसे फ्रेंच बोलते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वहीं पर डच बोलते हैं 59% एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी प्रकार जो लैंग्वेज होती है ना वो आपके कल्चर और ट्रेडिशन का पार्ट होती है। तो इस प्रकार से हम उनकी मेजोरिटी के बारे में पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे बेटा वो कौन सा रीजन और वो कौन सी यहाँ पे लैंग्वेज बोलती है। तो उसके बाद आज हम केस लेते हैं सबसे पहले अपना बेल्जियम का, जिस केस में हम एक तो बताएंगे कि कौन सी माइनॉरिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है और दूसरा हम बताएंगे बेटा कि कितने परसेंट पॉपुलेशन कंट्री की बेटा कहाँ पे रहती है और वहाँ पे किसकी गवर्नमेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा बेल्जियम का टॉपिक। देखिए बेल्जियम ए स्मॉल यूरोपियन कंट्री हैज़ डच फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बेल्जियम जो एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है उसमें तीन तरीके की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, एक तो आपकी डच है, एक आपकी फ्रेंच है और एक आपकी है जर्मन स्पीकिंग। ध्यान रखना स्पीकिंग का इस्तेमाल आया है तो जो डच फ्रेंच और जर्मन है ये उनकी लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो डच पॉपुलेशन है जो बेटा वो कौन सी डच लैंग्वेज बोलेगी, फ्रेंच वाले फ्रेंच लैंग्वेज बोलेंगे, जर्मन वाले जर्मन लैंग्वेज बोलेंगे। अब यहाँ पे बेटा ये तो हो गया, अभी कौन कौन सी स्मॉल यूरोपियन कंट्री में कौन कौन सी एग्जिस्ट करती है पॉपुलेशन, तो वो तो हमने पढ़ लिया, एक तो डच करती है पॉपुलेशन हमारी, एक पॉपुलेशन हमारी फ्रेंच करती है और एक करती है जर्मन। अब इसके बाद इसकी मेजोरिटी देखते हैं। जब भी हम देखें 59% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री का है बेटा वो लिव इन फ्लेमिश रीजन में रहती है एंड स्पीक डच बोलती है। समझ में आया बेटा, तो 59% क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, वाइल द अदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन में रहते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं इन ब्रुसेल्स। अब देखो अब दूसरी बात क्या है बेटा, अब यहाँ पे सिंपल सी बात ये सोचो 59% तो टोटल पॉपुलेशन क्या बोलती है बेटा आपकी, डच बोलती है और डच के साथ किसको कनेक्ट करना है बेटा आपको, फ्लेमिश रीजन के साथ कनेक्ट करना है। और 40% जो पीपल हैं बेटा वो वेलोनिया में रहते हैं और किससे कौन सी हैं बेटा, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, तो वेलोनिया वाले कौन से बेटा, फ्रेंच रिलेटेड हैं बेटा। अब उसके बाद आती है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स है बेटा आपकी कैपिटल ऑफ बेल्जियम। जैसे हमारे अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, ऐसे ही बेल्जियम की कौन सी है कैपिटल बेटा, ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स है कैपिटल ऑफ बेल्जियम की, इसमें 80% पीपल स्पीक क्या करते हैं, फ्रेंच स्पीक करते हैं और द रिमेनिंग जो 20% है क्या करते हैं, डच करते हैं। इसमें समझने वाली ये बात है, अगर ओवरऑल रीजन की बात पूछी जाए ना, अगर पूरे रीजन में मेजॉरिटी किसकी है तो वो आएगी बेटा डच की है जो कि फ्लेमिश रीजन है। ध्यान रखना कि अगर मैं बोलूं बेल्जियम में कौन सी ऐसी है बेटा पॉपुलेशन है जिसकी मेजॉरिटी है, तो ऐसे में आपको डच को बताना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं सेकंड नंबर पे कौन सी बेटा, फ्रेंच की है। लेकिन अगर मैं कैपिटल के बारे में बोलूं कि ब्रुसेल्स जो है बेटा उसमें जो है कैपिटल बेल्जियम में है बेटा, उसमें मेजॉरिटी किसकी है, उसमें एक तरफा मेजॉरिटी बेटा फ्रेंच लोगों की, जिसके द्वारा 80% ऑफ पीपल क्या स्पीक करते हैं बेटा, फ्रेंच करते हैं और रिमेनिंग 20% क्या करते हैं, डच स्पीक करते हैं। तो ये था बेटा उनकी स्मॉल कंपोजिशन, इसको एक बार और दोबारा रिवाइज करेंगे, उससे पहले एक बार आप मैप को देख लीजिए। देखो फ्लैंडर्स बेटा, डच को क्या बोलते हैं बेटा, फ्लैंडर्स भी बोलते हैं। तो डच का जो ये पार्ट आपको येलो पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा, ये सारी उनकी गवर्नमेंट है। तो इन गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे बेटा, हम फ्लैंडर्स बोलेंगे, जो किसके द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट, डच के द्वारा। अब जो रेड है पोर्शन उसमें बेटा आपकी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, उनकी भी खुद की गवर्नमेंट है। अब रेड में किसकी है बेटा, फ्रेंच स्पीकिंग की है। अब उसके बाद है बेटा ब्रुसेल्स है। अब क्या ब्रुसेल्स किस में, ऑरेंज कलर में ले रखे बेटा, जो आपको फ्लेमिश के आसपास दिखाई देगी, वो जहाँ पे वेलून बार्बन लिखा हुआ बेटा उसके ऊपर है। तो ब्रुसेल्स है बेटा कैपिटल, जिसमें बेटा उनकी खुद की गवर्नमेंट है बेटा। और मैंने आपको बताया था ब्रुसेल्स में कौन ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, 80% फ्रेंच पीपल एग्जिस्ट करते हैं। अब जर्मन में बेटा देखो, अभी यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी कौन सी है, ग्रीन वाली है बेटा, ठीक है। तो कौन सी है, ग्रीन वाली है। और उसके बाद अगर मान लें मैं जर्मन वाली को और रेड वाली के साथ जोड़ दूँ, फ्रेंच के साथ जोड़ दूँ, तो उससे बनती है वेलोनिया रीजन। कौन सा बनता है बेटा, वेलोनिया, जिनकी खुद की गवर्नमेंट है। अगर मैं सबको एक साथ में जोड़ दूं तो क्या बनती है, बेल्जियम की गवर्नमेंट बनती है। तो अब यह ध्यान रखना बेटा, तो यहाँ पे किस किस चीज़ों के बारे में बात हुई है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बेल्जियम में जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में कोई पॉपुलेशन है तो 59% है, जो कि कौन सी है बेटा आपकी,
ये आपकी है 59% में डच स्पीकिंग है जो कि फ्लेमिश रीजन में रहती है, और 40% क्या है बेटा आपकी, आपके फ्रेंच बोलते हैं बेटा, वो वेलोनिया में रहते हैं। और मैंने आपको बताया वेलोनिया क्या है बेटा, वेलोनिया का मतलब है बेटा जहाँ पे फ्रेंच और जर्मन एक साथ हो बेटा। तो जर्मन और फ्रेंच वाले रीजन कौन सा है बेटा, वेलोनिया रीजन है, जिसमें 40% पीपल किसके हैं बेटा, किसके हैं जो आपकी फ्रेंच बोलते हैं। और ब्रुसेल्स में एक तरफा मेजोरिटी किसकी है, फ्रेंच की, जो 80% स्पीक क्या करते हैं फ्रेंच, और 20% क्या स्पीक करते हैं, डच स्पीक करते हैं। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको कि कौन सी गवर्नमेंट कैसे है, जैसे फ्लैंडर्स है बेटा उनकी खुद की गवर्नमेंट है तो डच है बेटा, फ्रेंच स्पीकिंग वालों की अलग गवर्नमेंट है, ब्रुसेल्स में अलग गवर्नमेंट है और जर्मन की अलग गवर्नमेंट है, और जर्मन को अगर फ्रेंच के साथ मिला दिया जाए तो उससे वेलोनिया इज ओन गवर्नमेंट हो जाती है, जिसमें अगर सबको मिला दो तो मैं आपकी बेल्जियम और गवर्नमेंट हो जाएगा। देखिए अब ये तो था बेटा कम्युनिटीज एंड रीजन्स के बारे में बेल्जियम के। अब देखो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन वाज रिच एंड पावरफुल। अब देखो माइनॉरिटी किसकी है बेटा, ओवरऑल अगर हम बात करें तो किसकी है, फ्रेंच की है, लेकिन अगर हम ब्रुसेल्स की बात करें तो उसमें माइनॉरिटी किसकी है बेटा, आपकी डच की है। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग पॉपुलेशन एज दे रिसीव द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन क्वाइट लेट बेटा। तो इसने क्या किया, रिसेंटेड किया बेटा किसके द्वारा, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन, क्योंकि उनको जो एजुकेशन मिली थी बेटा थोड़ी सी लेट मिली थी। द स्पोक टेंशन बिटवीन द दो, जिसके वजह से क्या हो गया बेटा, स्पार्क्ड द टेंशन का मतलब उनके बीच में मतभेद हुआ बेटा बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। हाउएवर दिस प्रॉब्लम वाज सोल्व बाय देयर पॉलिटिकल लीडर ऑफ बेल्जियम। उसको किसके द्वारा सोल्व किया गया बेटा, पॉलिटिकल लीडर ऑफ बेल्जियम के द्वारा सोल्व किया गया। वॉन्टेड द पीपल टू को एग्जिस्ट पीसफुली विद एन अदर, ताकि दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर सकें, पीसफुली रह सकें। तो अब देखो ध्यान देना बेटा इसमें क्या बताया गया है कि देखो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन माइनॉरिटी में तो है, लेकिन क्या है माइनॉरिटी के अलावा क्या फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन में बेटा रिच है बेटा, वो क्या है, वो क्या है, बिल्कुल रिच है। और जो आपकी डच पॉपुलेशन है बेटा वो क्या आपकी रिच नहीं है, वो क्या बेटा पॉवर्टी के अंडर आती, किसके अंडर आती है, पॉवर्टी के अंडर आती है। तब उसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पे हमें किसकी मेजोरिटीज़ के बारे में पता लग गया, इसके बारे में ये भी पता लग गया भाई कौन सी गवर्नमेंट कहाँ पे है। इस तरीके से पता लगने के बाद अब हम आगे चलते हैं बेटा, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा अकमेंडेशन इन बेल्जियम। बेटा अकमेंडेशन का मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से आती है बेटा, उसको अकमेंडेशन बोलते हैं। देखो किस तरीके से गवर्नमेंट का निर्माण हुआ, कैसे डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट है बेटा। तो जैसे अकमेंडेशन इन बेल्जियम बेटा, इन बेल्जियम द गवर्नमेंट हैंडल द कम्युनिटी डिफरेंस वेरी वेल बेटा। जो बेल्जियम है उसमें गवर्नमेंट ने हैंडल किया कम्युनिटी फ्रंट को बहुत ही अच्छे तरीके से। बिटवीन 1970-1993 बेल्जियन लीडर्स बेटा अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेंडेड का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ सुधार करना कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको अमेंडेड बोलते हैं। फोर टाइम्स बेटा, फोर टाइम्स क्या किया अमेंडमेंट की, एंड केम अप विद ए न्यू मॉडल ऑफ रन गवर्नमेंट, और एक नया मॉडल लेके आए बेटा, जिसको सम इम्पोर्टेंट बेल्जियन मॉडल के क्या थे बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण ये थे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी सबकी एक ही सेंटर की गवर्नमेंट होगी, उसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर क्या होंगे बेटा, बिल्कुल नंबर उनका इक्वल होगा। स्पेशल लॉज वर रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप बेटा। कुछ स्पेशल लॉज होंगे बेटा रिक्वायर फॉर द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स की फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप से बेटा, जहाँ पे भी जो उनसे लिंग्विस्टिक ग्रुप होगा तो उसमें कुछ स्पेशल लॉ रिक्वायर होंगे। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। यूनिलेटरली का मतलब होता है एक के द्वारा जब डिसीजन लिया जाता है ना तो उसको यूनि बोलते हैं बेटा, और जब एक से ज़्यादा के लिए लिया जाता है तो उसको मोनो बोलते हैं। तो सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप एंड नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक द डिसीजन यूनिलैटरली, ताकि कोई भी सिंगल कम्युनिटी है अपनी मेजोरिटी वगैरह का फ़ायदा उठाकर और अपने डिसीजन ना थोप दे, अपने डोमिनेशन की पावर ना आ जाए, इसीलिए जो मिनिस्टर्स की संख्या रहेगी बेटा वो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या रहेगी, बिल्कुल इक्वल रहेगी। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबऑर्डिनेट का मतलब उनके अंडर काम करना, स्टेट गवर्नमेंट उसके अंडर काम नहीं करेगी। ब्रुसेल हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट होगी इन विच बोथ कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ब्रुसेल्स में क्या होगी, यह नहीं मैटर करता है कि वहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो मेजोरिटी में 80% है और डच आपके 20% है, तो वहाँ पे मेजोरिटी वालों की ही आपकी गवर्नमेंट बनेगी, ऐसा नहीं है। ब्रुसेल्स में भी जो कम्युनिटीज़ हैं बेटा उसमें सेपरेट है, उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, इक्वल मिनिस्टर्स वगैरह बनेंगे।
अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, देर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट होगी द कम्युनिटी गवर्नमेंट बेटा, जिसको क्या बोला गया है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। आगे देखिए, इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग बेटा। तो इन्होंने क्या बोला, कम्युनिटी जो गवर्नमेंट होगी बेटा वो किससे इलेक्टेड की जाएगी, पीपल बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, डच कौन है, फ्रेंच कौन है, जर्मन स्पीकिंग कौन है, नो मैटर वेयर दे लिव, कहाँ पर वो रहते हैं, गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल। अब गवर्नमेंट के पास पावर होगी कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशनल रिलेटेड और लैंग्वेज से रिलेटेड इशूज़ में। दस दीज अरेंजमेंट इन वैलीज वॉज सक्सेसफुल एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ टेंशन बिटवीन टू लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज। इस प्रकार वहाँ पे गवर्नमेंट ने दो तरीकों में डिवाइड होगी बेटा, और उसने बिल्कुल आसानी से इस टेंशन को क्या कर लिया, बिल्कुल सोल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं बेटा, जो आगे दे रखा है ये दे रखा है, एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहली बात कब की आई थी बेटा, 1970 से 1993 के। अब एक बार मैं मेजॉरिटी को और दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको बेल्जियम का आपको अच्छे से समझ में आ जाए बेटा, और हमारी ये क्लास हम बेल्जियम से ही एंड कर देंगे। देखो सबसे पहले ध्यान रखना, ओवरऑल अगर पॉपुलेशन की मेजॉरिटी देखनी है तो किसकी है बेटा, ओवरऑल है बेटा फ्रेंच की। और अगर आपको डच की देखनी है तो 40% पीपल हैं जो बेटा किसकी हैं, फ्रेंच की हैं, और 59% क्या है टोटल पॉपुलेशन डच की है। ब्रुसेल्स में किसकी है, 80% आपके फ्रेंच रहते हैं और 20% क्या करते हैं डच बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका येलो रीजन है बेटा, ये आपका कौन सा, फ्लैंडर है, जो डच से रिलेटेड होता है बेटा, और फ्रेंच मेकिंग आपका रेड है। अगर मैं ब्रुसेल्स की कैपिटल अलग है, अगर मैं फ्रेंच को और जर्मन को मिला दो बेटा, ग्रीन वाले को और रेड वाले को, फ्रेंच और जर्मन मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, गवर्नमेंट स्पीकिंग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाते हैं। जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी है, ओन गवर्नमेंट बनाते हैं। तो अब उसके अलावा यहाँ पे वेलोनिया बोला जाता है बेटा किसको, जब आपकी फ्रेंच को किसके साथ ऐड कर दिया जाए, जर्मन के साथ ऐड कर दिया जाए। तो इस प्रकार से बेटा कुछ अब जो फ्रेंच पॉपुलेशन है, वैसे होते वो माइनॉरिटी में हैं, लेकिन उनकी भी क्या है बेटा, उनके पास रिच एंड पावरफुल है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं बेटा, वो अपनी मतलब डोमिनेशन की पावर को चाहता है, जिसकी वजह से क्या होगी, टेंशन क्रिएट हो जाती है। और इस टेंशन को क्रिएट होने के बाद इसको सोल्व करने का कार्य किसके द्वारा, 1970 और 1993 में हुआ। इसमें क्या किया गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था बेटा, उसको क्या किया गया, फोर बार वहाँ के बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को फोर टाइम्स क्या किया गया, अमेंडेड किया गया, सुधारा गया, और केम अप विद न्यू मॉडल, और एक नया मॉडल आया। अब उस मॉडल में क्या क्या थे, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे, शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। सम स्पेशल लॉ सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, में कुछ स्पेशल लॉ दिए जाएंगे। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन, और कोई भी अपना डिसीजन अकेले नहीं ले सकती बेटा। इस तरीके से गवर्नमेंट वहाँ पे वर्क करेगी। अब द स्टेट गवर्नमेंट क्या है बेटा, सबऑर्डिनेट नहीं होगी, कहने का मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है बेटा उसके ऊपर सेंटर का कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा। ब्रुसेल्स है जो सेपरेट गवर्नमेंट होगी, जिसमें बहुत कम्युनिटी है इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और ब्रुसेल्स जो होगी बेटा उसमें एक सेपरेट गवर्नमेंट मानी जाएगी, जिसमें क्या होगा, बहुत कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, देर काइंड थर्ड गवर्नमेंट भी होगी, जिसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट बेटा, जिसके द्वारा किसके द्वारा की जाएगी बेटा, इलेक्टेड या आपकी लैंग्वेज कम्युनिटी, डच फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग के। नो मैटर वेयर दे लिव, ये मैटर नहीं करता कहाँ पर, ये सिर्फ लिंग्विस्टिक बेस होगी जो कि डच फ्रेंच और जर्मन में होगी। गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, और गवर्नमेंट के पास कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशनल से रिलेटेड और लैंग्वेज रिलेटेड के सारे इश्यूज़ के अंडर आएंगे। सो दीज अरेंजमेंट जो बेल्जियम में हुई बेटा, इन्हें सक्सेसफुल ने अवॉइड किया एनी काइंड ऑफ टेंशन बिटवीन द टू लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज में। दिस आल्सो नेगेटेड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ डिवीजन ऑफ कंट्री लिंग्विस्टिक लाइन, और ना ही बेटा आपकी कंट्री डिवाइड हुई कि ये एरिया फ्रेंच से बिलोंग करता है और ये एरिया बेटा आपका दूसरा मान लें एरिया आपका किसी दूसरी आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करता है।
तो इस प्रकार बेटा बेल्जियम ने अपने इसको मॉडल को आपको सुधारा। तो आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा है बेटा वो किसके बारे में पढ़ा है, एक तो हमने पढ़ा पावर शेयरिंग, और पावर शेयरिंग के बाद पढ़ा हमने केस ऑफ बेल्जियम के बारे में कि वहाँ पे गवर्नमेंट में एक तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बारे में पता लगा, और एक हमने पता लगाया वहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी के अलावा अब वहाँ पे गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है, और जो टेंशन क्रिएट हुई थी बेटा जो लैंग्वेज के आधार पर, उस टेंशन को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेड करके क्या कर लिया गया बेटा, सुधार लिया गया, और उसके साथ ही आपकी गवर्नमेंट क्या होगी वहाँ पे वर्क करने लगी। अब इन्होंने ऐसे सुधार लिया तो इसके बाद क्या हुआ बेटा कि अब जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, तो अब ऐसा नहीं हुआ कि 59% डच इस एरिया में रहते हैं तो ये एरिया डच के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ये आपके 40% वहाँ पे फ्रेंच के अकॉर्डिंग तो फ्रेंच का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक के आधार पर आपका स्टेट का डिवीजन नहीं हुआ, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने रास्ते निकाले कि भाई सारी की सारी पावर सेंटर के द्वारा नहीं की जाएगी, सेंटर में डच और फ्रेंच दोनों क्या होंगे, सेंट्रल के मिनिस्टर इक्वल होंगे, और सबऑर्डिनेट के अंडर स्टेट गवर्नमेंट वर्क नहीं करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और गवर्नमेंट होगी जो कि आपकी होगी बेटा कम्युनिटी गवर्नमेंट। सो दिस इज़ द केस, किसका था बेटा ये केस था आपका बेल्जियम का। और इसके बाद आपको जो नेक्स्ट केस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो केस हम पढ़ेंगे बेटा श्रीलंका से रिलेटेड, और देखेंगे ये दोनों की गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट्स में क्या क्या डिफरेंस है, किस तरीके से आपकी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, आपकी जो ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट है या सॉरी इसकी बेल्जियम की गवर्नमेंट है बेटा, उस गवर्नमेंट ने कितने अच्छे तरीके से इसको समझाया है, लेकिन श्रीलंका में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल आपको एक नेगेटिव इफेक्ट मिलने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।